हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो अभी दोपहर का 2 बजने को आया है और अभी तक खाना नहीं बनाया है, तो अभी मैं बनाने वाली हूँ जल्दी से पराठे। और आलू वगैरह जो है वो पक चुका है ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे काम कर रही हूँ। जैसे कि आपको मैंने कल के व्लॉग में भी बताया था कि दिवाली आ गई तो क्लीनिंग वगैरह चल रही है बाकी की उसके साथ, और एक वीडियो का एडिट करके मुझे उनको सेंड भी करना था, तो वो सब कुछ चल रहा था। और चलिए जल्दी से बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा आपके साथ अगर मैं बातें करती रहूँगी। और लास्ट के वीडियो में मेरा सूजी जो है वो जल गया था, और उसके लिए इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आपने किए, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। और यार पराठे किस किस को पसंद है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आता नंतर कर ना ग, जा ना मग सुजा ना काय मला। इसको ठंडा होने के लिए मैं रख देती हूँ क्योंकि पोटैटो जो है वो बहुत ही ज्यादा गर्म है। यस बॉइल्ड पोटैटो बहुत ही ज्यादा गर्म है, तो चलिए बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, बनाते हैं, आटा गूंथते हैं। छोटे छोटे क्यूब्स ला रही हूँ, तो ये देखिए ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स ला रही हूँ। और अच्छा है कि यही मतलब अच्छा है कि मैं यही लाती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना जो बड़ा वाला पैकेट में लाती थी ना चीज़ का, वो बहुत ख़राब हो जाता है, इसको यूज़ करना ही पड़ता है। अभी ये क्या है ना, ये एक जो है वो अभी मैं पूरा ये पराठे के लिए जो है वो यूज़ करने वाली हूँ, तो वो ख़त्म हो जाता है। बट बड़ा इतना हम इतने इतनी मतलब ये नहीं हो कि बाबा चीज़ इतना खाओ, पसंद है मुझे ऐसा नहीं है, बट मैं लिमिटेड में खाती हूँ। तो ये सच में आप भी अगर बड़ा वाला लाते हैं ना चीज़, तो वो सस्ता पड़ता है। कितने रुपए से फ़र्क पड़ता से सोई गई मैं उनको पूछ रही थी कि कितने, क्योंकि ना हमने डिमांड में देखा था ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, क्योंकि हम पूरा पैकेट ही लाते हैं इसका। 10 होंगे मे भी, कुछ पता नहीं, इतना नहीं मैंने देखा, बट 10 या उसके अंदर ही होंगे। छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं, तो बड़ा वाला क्या होता है थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, 12-15 रुपए से, ये थोड़ा महंगा पड़ता है 12-15 रुपए से। बट ये पूरा ख़राब हो के फेंक देने से अच्छा है ना कि ये ले लिया जाए। आप कौन सा चीज़ लेते हो प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और थोड़ा सा जैसे कि अभी बच जाते हैं ना ऐसे लास्ट में, तो मैं इसे खा लेती हूँ।
जैसे कि देख रहे हैं मेरा गर्मा गर्म पराठा, उस पे है बटर और ये जो अचार है मम्मी ने घर पे बनाया था तो वही अभी हम सब खाएंगे। बहुत ही यम्मी लग रहा है। और खाना वगैरह हो चुका है, नितेश चले गए हैं और ये देखिए बच्चे लैपटॉप पे अ से अनार, यही मैं लगा रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना, रोमा डायना का शो देखते ना, उसकी जैसे ही इन दोनों को नखरे करने पड़ते हैं, उसकी जैसे ही सभी चीज़ें चाहिए होती है। एक्चुअली रोमा डायना जो है वो बहुत ही बड़े यूट्यूबर है, छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी चीज़ें वो हमेशा लाना वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इस वजह से मैंने उनको ना अभी अ से अनार और जो राइम्स वगैरह होते हैं हिंदी पोएम्स सभी वही दिखा रही हूँ, स्टोरी वगैरह। बेबी हाथ मत लगा और उसकी बस सेवा की जाती है, डायना नहीं लग रही और कोई काम नहीं करता था ना, दो मेरे बच्चों को बेडरूम में लाया है ना बेबी, मेरी बेबी मेरी बेबी। और यस, घर का क्लीनिंग जो है वो ऑलमोस्ट चल भी रहा है। सो हुआ ये कि आज मैंने ना सौमिश्री को ऊपर ही बोला कि अभी तू रह, क्योंकि क्या हो रहा है ना, डेली वो अपने पापा के पास जाती है दोपहर को और फिर उसके बाद उसको नींद आती है 7 बजे सोती है, फिर उसके बाद 8 बजे उठती है और 1 घंटा सोने के बाद रात को नींद कैसे आएगी, तो इस वजह से ना उसकी नींद कंप्लीट नहीं हो रही है। डेली वो रो ही रही है। जब से मैं मम्मी के घर से आ रही हूँ ना, तब से ये उसका रूटीन हो चुका है। तो मैंने अभी ना उसको बोला कि चलो अभी हम ना सुबह में उनको सिखा, मतलब लैपटॉप जो है वो लगा के देती हूँ, है ना बेबी, सुबह में लैपटॉप लगा के देती हूँ और फिर उसके बाद ये देखिए अभी नींद आ गई। ओ ओ मारो नको, नो नो बेबी नो नो, ये गन नो, ओ ओ ओ, पर ठीक है। दोनों बच्चों को संभालना इतना इजी नहीं है और उसके साथ साथ अर्निंग करना तो बिल्कुल भी इजी नहीं है। यूट्यूब डिफिकल्ट है बट मैं आपको एक ऑप्शन दे रही हूँ, तो आप घर बैठे, अगर आप हाउसवाइफ है, अगर आप स्टूडेंट है, तो भी घर बैठे जो है वो अर्निंग कर सकते हो। तो मैं वो वीडियो देखिएगा, आप उसके ज़रिए घर बैठे कैसे अर्निंग कर सकते हो वो देखिएगा, जल्दी से देखिएगा। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और शॉप 101 ऐप जो है वो डाउनलोड करना है। नेक्स्ट उसके बाद आपको स्टार्ट अर्निंग पे क्लिक करना है, मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आएगा और वो फिलअप कीजिएगा। देन उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिलअप कीजिएगा। शॉप 101 पे मिलेंगे इंडिया के टॉप होलसेलर से साड़ीज, कुर्ती, बेडशीट, टी शर्ट जैसे कई सारे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जिन्हें आप घर बैठे तुरंत बेचना शुरू कर सकते हैं। अपनी पसंदीदा कैटलॉग चुनें और अपने दोस्तों फैमिली के साथ व्हाट्सएप पे सेंड करें। याद रखें जितना प्रोडक्ट पे मार्जिन रहेगा आप उतना कमाएंगे। आप अपने दोस्तों या फैमिली के ऑर्डर्स ऐप पर आसानी से प्लेस कर सकते हैं। वही प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें और अपने कस्टमर का शिपिंग एड्रेस डालें। पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करके ऑर्डर कंप्लीट करें। ऑर्डर प्लेस होने पर शॉप 101 आपके कस्टमर तक ऑर्डर डिलीवर कर देगा और कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट भी कलेक्ट कर देगा। ऑर्डर डिलीवर होने पर आप कमाएंगे प्रोडक्ट पर लिखा हुआ मार्जिन। शॉप 101 हर फ्राइडे आपकी कमाई हुई राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। सही प्रोडक्ट चूज करें, उन्हें शेयर करें और घर बैठे ढेर सारे पैसे कमाएं।
ओके सो आज नेक्स्ट डे है, तो सब कुछ काम मेरे हो चुके हैं, सब्जी वगैरह बना के रेडी है, रोटियां बना के रेडी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि सुबह हमने ब्रेकफास्ट में फ्लावर खाए थे ना, तो थोड़ी सी कम रह गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सब्जी बनानी पड़ेगी। रोटियां तो मैंने वैसे ही बना ली है। और हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने इंस्टाग्राम पे जो है वो एक्टिव रहना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बहुत दिनों से आप सभी की रिक्वेस्ट थी इंस्टाग्राम आईडी इंस्टाग्राम पे फ़ोटो बना दिया करो, फ़ोटो अपलोड किया करो, ये वो ये। तो इस वजह से मैंने बहुत कल रात सर्च किया एंड मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है वो इंडियन ट्विंस मम्मी है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ पे जाके भी आप मुझे फॉलो कीजिएगा। और मैंने देखा कि आईजीटीवी पे भी हम वीडियो जो है वो अपलोड कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ पे भी काम करना चाहिए। तो मैंने अभी डिसाइड कर लिया है कि वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा कंटेंट जो है वो ऐड करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि अभी दुनिया जिस जगह चल रही है वैसे उसके साथ रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मुझे कुछ सवाल जो है वो बहुत कॉमन आते हैं, और वो ये है कि बहुत सारी लेडी जो है मुझे रिलेट करती है, चाहे वो महाराष्ट्रन हो, चाहे आउट ऑफ महाराष्ट्र के हो, कोई भी हो, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। कि बहुत सारी लेडीज़ मुझे ये कहती है कि शीतल हम भी तुम्हारे नेचर की जैसे है, हम भी तुम्हारे जैसे है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, तुम्हारे घर में ये होता है तो तुम्हारे बच्चे जैसे बिहेव करते हैं वैसे हमारे बच्चे भी बिहेव करते हैं, ऐसे बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं। बट बहुत सारी लेडीज़ मुझे ये भी बोलती है कि हमें भी YouTube चैनल क्रिएट करना है, व्लॉगिंग करनी है, बट हम थोड़ा सा डरते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें पर्सनल लाइफ जो होती है वो शेयर करनी पड़ती है। देखिए, हर एक किसी का अलग अलग होता है। व्लॉगिंग का मतलब ये नहीं कि आपको डेली पर्सनल लाइफ शेयर करनी चाहिए। बहुत सारी कैटेगरीज है, जैसे कि कुछ प्रैंक्स होते हैं वो कर सकते हैं, या अदरवाइज चैलेंजेस होते हैं तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। बट बहुत सारी लेडीज़ का यही मानना है, मैंने बहुत सारी लेडीज़ को बताया कि आप जो है ना डिफरेंट बनाएं, ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ मत एक्सपोज कीजिएगा, बट वो कह रही कि नहीं, हम वो नहीं कर सकते डायरेक्टली चैलेंज वगैरह, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा डर लगता है। तो देखिए, हम औरतों को डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से सारी लेडीज़ का यही सवाल है कि वो एक बहुत सारी लेडीज़ मुझे बताती जब, तो वो कहती कि हम बहुत छोटे गाँव से हैं, हमारे हस्बैंड बहुत हमें सपोर्ट करते हैं, बट समाज क्या सोचेगा जब हम ब्लॉगिंग करेंगे। तो देखिए, मैं भी बहुत छोटे गाँव से, आप सभी को पता है मेरा मायका और ससुराल में भी बहुत छोटे गांव से हूँ, बट मैंने सोचा कि मुझे ये करना है तो करना है। मेरा नेचर ऐसा ही है कि मुझे जो सही लगता है वही मैं करती हूँ अपनी लाइफ में। और हमेशा ध्यान में रखिएगा, अपने लाइफ के जो डिसीजन है वो खुद लीजिएगा, किसी के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि हम इसी वजह से औरतें डरती ना कि इसको क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा, इस वजह से हम थोड़ा बहुत पीछे रह जाते हैं। और देखिए, व्लॉगिंग करनी स्टार्ट कर देना, क्या है, क्या हम उसमें कुछ गलत दिखाते हैं? नहीं ना गाइस। देखिए, मैं अपनी, ये मेरा फैसला था कि मुझे अपनी खुद की पर्सनल लाइफ जो है वो शेयर करना। और जब मैंने नितेश को बताया तो वो हैप्पी थे। मेरे पापा, आप सभी को पता है मेरे पापा को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, सो मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचती हूँ, क्योंकि देखिए मुझे अगर लाइफ में आगे जाना है तो जाना है, और मैं बहुत ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, बिकॉज मेरे पापा को बहुत पर्सनल बातें जो है वो शेयर करना अच्छा नहीं लगता। बट मैं ये सोचती हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली हो, तो इस वजह से मैं शेयर करती हूँ बहुत सारी बातें। इवन मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर को कुछ प्रॉब्लम, मेरे पापा को ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि मैं ट्रैवलिंग व्लॉग वगैरह करती हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे कि कुछ पर्सनल बातें होती है तो मेरे पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट स्टिल मैं करती हूँ, और मैं कभी भी मतलब कुछ हद से बाहर नहीं जाती हूँ, आप सभी को पता है। इवन मैं प्रॉपर ड्रेसअप में होती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं, मेरे रिलेटिव्स मुझे देखते हैं। और देखिए, अगर हम दुनिया के बारे में अगर सोचते रहेंगे ना तो हम पीछे रह जाएंगे। अगर मैं भी सोचती हूँ उस टाइम 3-3.5 साल पहले कि मैं क्यों यूट्यूब करूँ यार, मैं तो ऐसे, आपको बता दूँ हमारे यहाँ पे जो लेडीज़ है तो अभी भी पल्लू जो होता है उनका ऐसा होता है, इतनी सारी बैंगल्स पहनती है, इवन मैं नहीं पहनती हूँ, इवन मैं बिंदी नहीं लगाती हूँ, कुमकुम नहीं लगाती हूँ। अगर आपने मेरे लास्ट वाले ब्लॉग में देखा होगा, मयूर मुझे बता रही थी मेरी हाउस हेल्पर की, दीदी आप ये कुमकुम लगा लिया करो, बैंगल्स पहन लिया करो, इयररिंग्स पहन लिया करो, मंगलसूत्र पैर में क्या बोलते हैं उसको, चांदी का पहनते, जोड़वो बोलते हैं उसके हिंदी में, क्या बोलते हैं, बिछुआ ऐसे कुछ तो बोलते हैं, वो पहना करो। बट मुझे वो सारी चीज़ें पसंद ही नहीं है। इवन मेन चीज़ है ना, मेरे हस्बैंड का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है कि वो कभी नहीं कहते कि तुम ये करो वो करो। तो ध्यान में रखिएगा, अगर आपको भी ब्लॉगिंग करनी है अपनी लाइफ में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यूट्यूब के लिए भी, अगर
आपको अपनी लाइफ में आगे जाना है ना, तो थोड़ा सा समाज का हमें नहीं सोचना चाहिए। इवन मेरे ससुराल के कुछ लोगों को मेरा व्लॉगिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज कुछ भी हो जाए ये थोड़ी सी पर्सनल लाइफ ही होती है। फिर भी वो लोग मुझे देखते हैं ना, फिर भी वो लोग मतलब इतने ध्यान से देखते हैं कि मतलब हर एक चीज़ उनको पता है। इवन मेरे घर में क्या चीज़ें पड़ी होती मुझे कभी याद नहीं होता, बट उनको पता होता है। सो जोक्स अपार्ट, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं सभी को कहना चाहूँगी कि आपको भी आना है तो आप आ सकते हैं। नॉट इवन यूट्यूब, टिकटॉक पे भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं यार। टिकटॉक इतना फेमस हो रहा है इंडिया में। सो अगर आप में टैलेंट है कुछ एक्टिंग का तो आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि इस बारे में बोलना चाहिए आप लोगों के साथ। और चलिए इस व्लॉग को हम एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मैं फिर से कहती हूँ कि हम औरतों को डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। मैं क्या कुछ गलत करती हूँ क्या ब्लॉगिंग दिखा के? नहीं ना। सो चिल इट एंड डू इट। मेरी बैटरी जो है वो ख़त्म हो रही। बाय।